नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले के चित्रकोंडा इलाके में मंगलवार को एक कार के पेड़ से टकरा जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना जिले के चित्रकोंडा इलाके में राजुल कोंडा के पास हुई, जब एक परिवार के सदस्यों को लेकर कार पड़ोसी आंध्र प्रदेश के नरसिंहपटना जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के गुजेब इलाके के मुलगेड़ा गांव के प्रकाश किला में दो बेटियों और दो बेटों को कार में नरसिंहपटना के एक आवासीय विद्यालय में ले जा रहे थे। दुर्घटना तब हुई जब वाहन उड़ीसा के चित्रकोंडा इलाके से गुजर रहा था। जाहिर तौर पर चालक ने पहियों पर से नियंत्रण खो दिया। जैसे ही कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई, प्रकाश और उनके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचा लिया गया और चित्रकोंडा के उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी 15 वर्षीय बेटी रसुखिला को मृत घोषित कर दिया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस कर्मियों की एक टीम ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और जांच शुरू की। सूत्रों ने बताया कि कार का चालक भाग गया है और उसकी तलाश जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीवन 24।